हेलो एवरीवन, आई हरीश वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश के कुछ बेसिक यानी शुरुआती शब्दों को और उनसे बनने वाले सेंटेंसेस को। ये उन स्टूडेंट्स को बहुत मदद करेगा जो इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं। तो हमारा आज का पहला शब्द है खूबसूरत। इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्यूटीफुल और इसका सेंटेंस है दिस मॉर्निंग इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड है यात्रा, इसको जर्नी कहते हैं इंग्लिश में और सेंटेंस है दिस इज अ लॉन्ग जर्नी। यात्री पैसेंजर, पैसेंजर इज वेटिंग फॉर द ट्रेन, पैसेंजर इज वेटिंग फॉर द ट्रेन। नाला, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीवर और सेंटेंस है दिस सीवर इज ड्राई। नदी, इंग्लिश में इसे कहते हैं रिवर और सेंटेंस है ए रिवर गिव्स अस वाटर, ए रिवर गिव्स अस वाटर। बुनियादी, इंग्लिश में इसे कहते हैं बेसिक, दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन। विश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइजन, द बॉक्स इज लेबल्ड पॉइजन। अमृत, इंग्लिश में इसे कहते हैं नेक्टर और इसका सेंटेंस है वाटर is nectar for creatures। इलाका, इंग्लिश में से कहते हैं एरिया और सेंटेंस है दिस एरिया इज ब्यूटीफुल। मैदान, इसकी इंग्लिश है फील्ड और सेंटेंस है वी आर प्लेइंग इन द फील्ड, वी आर प्लेइंग इन द फील्ड। अगला शब्द है उपभोक्ता, इंग्लिश में से कहते हैं कंज्यूमर और सेंटेंस है दिस बिल will protect consumers। शायद, इंग्लिश में इसे कहते हैं perhaps, perhaps he is there, perhaps he is there। धूप, इसकी इंग्लिश है sunlight, come in sunlight, come in sunlight। छांव की इंग्लिश है shade और sentence है he is sitting in the shade, he is sitting इन द शेड। किराएदार, इंग्लिश में इसे कहते हैं टीनेंट और एग्जाम्पल है आई एम लुकिंग फॉर अ टीनेंट, आई एम लुकिंग फॉर ए टीनेंट। मेहमान गेस्ट, यू आर माई गेस्ट। कुआं, इंग्लिश में इसे कहते हैं वेल, देयर इज अ वेल इन दिस विलेज, देयर इज अ वेल इन दिस विलेज। तालाब को इंग्लिश में कहते हैं पोंड और सेंटेंस है दिस इज अ फिश पोंड। खट्टा सावर, द कर्ड वाज सावर। नमकीन सॉल्टी, एग्जाम्पल है दिस बटर मिल्क इज सॉल्टी, दिस बटर मिल्क इज सॉल्टी। मीठा, इंग्लिश में से कहते हैं स्वीट, द मिल्क इज स्वीट। जीत, इसको इंग्लिश में कहते हैं विक्ट्री, इट्स अ ह्यूज विक्ट्री। हार की इंग्लिश है डिफीट, इट्स देयर डिफीट। पहिया व्हील, द व्हील इज रिवॉल्विंग। तब देन, देन दे विल कम। अब, इंग्लिश में से कहते हैं नाउ, ही इज हेयर नाउ। खुश हैप्पी, शी इज हैप्पी। संबंध को इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन और एग्जाम्पल है दिस रिलेशन इज फॉर एवर। हमेशा, इंग्लिश में से कहते हैं ऑलवेज, ही इज ऑलवेज बिजी। जल्दी अर्ली, एग्जाम्पल है आई वॉक अप अर्ली टुडे। दूर की इंग्लिश है फार, मार्केट इज फार फ्रॉम हेयर। पास, इंग्लिश में से कहेंगे नियर, इट इज नियर अस। छोटा को इंग्लिश में कहेंगे स्मॉल, दिस इज अ स्मॉल बैग। बड़ा की इंग्लिश है बिग और एग्जाम्पल है दिस इज अ बिग टाउन। अंधेरा डार्क, इट्स डार्क हेयर, इट्स डार्क हेयर। उजाला लाइट, एग्जाम्पल है We can't read without light।
कुर्सी बहुत कॉमन है चेयर, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड. मेज इंग्लिश में इसे कहते हैं टेबल. बास्केट इज ऑन द टेबल, बास्केट इज ऑन द टेबल. मौसम को इंग्लिश में कहते हैं वेदर और एग्जाम्पल है द वेदर इज गुड टूडे, द वेदर इज गुड टूडे. दवाई मेडिसिन, शी बॉट मेडिसिन. यहां या इधर इन दोनों को इंग्लिश में कहते हैं हेयर और एग्जाम्पल है कम हेयर, कम हेयर. वहां या उधर इन दोनों की इंग्लिश भी एक ही होती है देयर और एग्जाम्पल है गो देयर, गो देयर. सारा इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल, ऑल वर्क इज डन. चिट्ठी को इंग्लिश में कहते हैं लेटर और एग्जाम्पल है शी रोट अ लेटर. आगे इसकी इंग्लिश है अहेड, मूव अहेड. पीछे को इंग्लिश में कहते हैं बिहाइंड, एग्जाम्पल आई एम बिहाइंड यू. ऊपर अप, एग्जाम्पल लुक अप. नीचे इंग्लिश में से कहते हैं डाउन, एग्जाम्पल है लुक डाउन. दाएं को इंग्लिश में कहेंगे राइट और एग्जाम्पल है टर्न राइट. बाएं को इंग्लिश में कहेंगे लेफ्ट और एग्जाम्पल कीप लेफ्ट. ग्राहक इंग्लिश में से कहते हैं कस्टमर और एग्जाम्पल है कस्टमर्स आर बाइंग फ्रूट्स. दुकानदार शॉपकीपर कहते हैं इसको इंग्लिश में, एग्जाम्पल है शॉपकीपर इज सेलिंग बुक्स. औरत इंग्लिश में से वोमेन बोलते हैं, अ वोमेन इज डांसिंग, अ वोमेन इज डांसिंग. आदमी मैन, द मैन इज एट द डोर. बूढ़ा ओल्ड, द ओल्ड मैन इज वॉकिंग, द ओल्ड मैन इज वॉकिंग. जवान को इंग्लिश में कहते हैं यंग, यू आर यंग. बच्चा चाइल्ड, दिस चाइल्ड इज क्यूट. लड़की इंग्लिश में इसे कहते हैं गर्ल, दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट. लड़का बॉय, दैट बॉय इज प्लेइंग. सड़क इंग्लिश में इसे कहते हैं रोड और एग्जाम्पल है दिस रोड इज क्लोज्ड, दिस रोड इज क्लोज्ड. गली की इंग्लिश है स्ट्रीट और एग्जाम्पल है इट्स अ नैरो स्ट्रीट. त्योहार को इंग्लिश में कहते हैं फेस्टिवल और एग्जाम्पल है होली इज अ कलरफुल फेस्टिवल. पहाड़ की इंग्लिश है माउंटेन और एग्जाम्पल है स्नो फॉल्स ऑन माउंटेन, स्नो फॉल्स ऑन माउंटेन. जंगल इंग्लिश में से कहते हैं फॉरेस्ट और एग्जाम्पल है देयर आर मैनी ट्रीज इन अ फॉरेस्ट. शहर सिटी, आई लिव इन अ सिटी. गांव विलेज, इट्स ए स्मॉल विलेज. कागज की इंग्लिश है पेपर, कैन आई हैव अ पेपर. आसमान इंग्लिश में से कहते हैं स्काई, द स्काई इज ब्लू. पृथ्वी अर्थ, द अर्थ इज राउंड. पेड़ की इंग्लिश है ट्री, दैट इज मैंगो ट्री. दोस्त फ्रेंड, यू आर माय फ्रेंड. दुश्मन एनिमी, ही हैज नो एनिमी. किताब की इंग्लिश है बुक और एग्जाम्पल है आई लाइक दिस बुक. कलम पेन, माय पेन इज रेड. भगवान की इंग्लिश है गॉड और एग्जाम्पल है गॉड इज ग्रेट. शिक्षक इंग्लिश में से कहते हैं टीचर और एग्जाम्पल है माय इंग्लिश टीचर इज नाइस. पिता फादर, ही इज माय फादर. माता मदर, माय मदर इज काइंड. रस को इंग्लिश में कहते हैं जूस और एग्जाम्पल है
I like apple juice. Now, boat. A boat is on the water. A boat is on the water. Sardi. English में से कहते हैं winter और example है the winter nights are cold. The winter nights are cold. गर्मी English में से कहेंगे summer और example है students love summer vacations. Students love summer vacations. महल इंग्लिश में इसे कहते हैं पैलेस और एग्जाम्पल है दिस पैलेस इज ब्यूटिफुल. दिस पैलेस इज ब्यूटिफुल. राजा को इंग्लिश में कहते हैं किंग और एग्जाम्पल है ही इज अ किंग. रानी इंग्लिश में से कहते हैं क्वीन और एग्जाम्पल है शी इज अ क्वीन. शी इज अ क्वीन. मंत्री इंग्लिश में से कहते हैं मिनिस्टर और एग्जाम्पल है हिज फादर इज अ मिनिस्टर. हिज फादर इज ए मिनिस्टर. रंग इंग्लिश में से कहते हैं कलर और एग्जाम्पल है इट्स कलर इज ग्रीन. दिन इंग्लिश में से कहते हैं डे और एग्जाम्पल है दिस डे इज मेमोरेबल. दिस डे इज मेमोरेबल. सप्ताह इंग्लिश में से कहते हैं वीक और एग्जाम्पल है आई विजिटेड शिमला लास्ट वीक. महीना की इंग्लिश है मंथ और एग्जाम्पल है दिस इज द मंथ ऑफ जून. दिस इज द मंथ ऑफ जून. साल इंग्लिश में से कहते हैं ईयर और एग्जाम्पल है दिस इज अ गुड ईयर. दिस इज अ गुड ईयर. दशक 10 साल के टाइम को कहते हैं दशक और इंग्लिश में इसे कहा जाता है डिकेड. एग्जाम्पल है शी वाज हियर ए डिकेड अगो. कल बीता हुआ जो बीत गया है उस कल को इंग्लिश में कहते हैं यस्टरडे. ही वाज हियर यस्टरडे. आज इंग्लिश में इसे कहते हैं टुडे और एग्जाम्पल है इट्स संडे टुडे. इट्स संडे टुडे. कल जो आने वाला है इंग्लिश में से कहते हैं टुमारो और एग्जाम्पल है आई विल प्ले टुमारो. आई विल प्ले टुमारो. अंदर इंग्लिश में से कहते हैं इन और एग्जाम्पल कम इन. बाहर इंग्लिश में से कहते हैं आउट और एग्जाम्पल है गो आउट. सुबह मॉर्निंग एग्जाम्पल है ही गोज टू स्कूल इन मॉर्निंग. ही गोज टू स्कूल इन मॉर्निंग. दोपहर की अंग्रेजी है आफ्टरनून और एग्जाम्पल है इट्स हॉट इन आफ्टरनून. इट्स हॉट इन आफ्टरनून. शाम की अंग्रेजी है इवनिंग और एग्जाम्पल है आई विल स्टडी इन इवनिंग. आई विल स्टडी इन इवनिंग. रात की इंग्लिश है नाइट और एग्जाम्पल है यू कैन सी स्टार्स इन द नाइट. यू कैन सी स्टार्स इन द नाइट. नाइट. आराम रेस्ट. यू नीड अ रेस्ट. यू नीड अ रेस्ट. जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे.